वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट बच्चों, यहाँ पे मैं फाउंडेशन का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव में सेक्शन ए में है, नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। देखो, एक बच्चे का पेपर मैंने लिया, पूरा करेक्ट लिखा है। किरचॉफ का करंट रूल, तो करंट रूल ये कहता है बेटा, कोई भी अगर जंक्शन पॉइंट होता है तो वहाँ पे समेशन ऑफ करंट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। थर्ड में, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स नेचर, ट्रू है। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन है, तो द मिनिमम, देखो करेक्ट लिखा हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में हम देखें तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, आपसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर फाइव में कि द रेजिस्टेंस एंड डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिवर्स पासिंग, यस इंक्रीज करता है। ये बच्चे ने गलत लिखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। ठीक है, सही है। जो रिवर्स पासिंग में जो रेजिस्टेंस होता है, डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला, करेक्ट है। द व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड एबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर इट्स बिकम्स डाई मैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये लिखा हुआ यहाँ पे, बिकम्स डाई मैग्नेटिक, बिकम्स डेमैग्नेटाइज पैरामैग्नेटिक सब्सटांसेज अनइफेक्टेड बिहेव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटांसेज, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर जाता है क्यूरी टेम्परेचर के एबव। द इमेज फाउंड बाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है बेटा, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई पीस होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है उससे रियल एंड इनलार्ज इमेज बनता है, ठीक है। तो रियल एंड इनलार्ज ए करेक्ट है। बम इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, वेयर इज द हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एंड ट्रू इसमें एटम बम इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। वाइल द हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, करेक्ट है बेटा। इस बच्चे ने फॉल्स लिख दिया है, लेकिन ये जो है आपका ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रीमिटीज सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द इम्प्यूरिटी एडेड, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द इम्प्यूरिटी एडेड, ट्रू है, ये ट्रू है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज एरिया ऑफ प्लेट इज दिस एंड सेपरेशन इज दिस। हम जानते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। सभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10−12 होता है, एरिया पता है, डी पता है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू पुट करोगे तो 1.428 फराड यहाँ पे आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट अगर देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन मैथमेटिकल फॉर्म। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है मैथमेटिकल फॉर्म में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, एक्सएल इजकल टू ओमेगा इंटू एल होता है और एक्सी इजकल टू 1/ωc होता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 cm एंड 30 cm इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो लेट द गिवन फोकल लेंथ F1 इज इक्वल टू 15 cm, F2 इज इक्वल टू 30 cm। और तो हम जानते हैं बेटा फोकल लेंथ आपको कॉन्वेक्स का गिवन है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और जो कम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 होता है। दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट में गिव फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज होती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दोनों परपेंडिकुलर होता है, वहाँ पे उसके बीच से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपगेट होता है, ठीक है। ये सारे कंडीशंस उसके हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन, तो ये देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन है, वर्क फंक्शन तो अभी हमने बताया। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम एंड 6.6 × 10−34 जूल पर सेकेंड एंड c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ये देखो e इज इक्वल टू h इंटू न्यू है बेटा एंड दिस इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा हो गया। इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी। इसके बाद है व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, ठीक है।
तो इसमें बेटा यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या होता है, एंड प्रिंसिपल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, सारा यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम का मतलब है 10^-3 kg है बेटा, और ये वेलोसिटी 105 नहीं है, एक्चुअली 10^5 मीटर पर सेकेंड था। हालांकि बच्चे ने 105 ले लिया है तो ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन था यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है लिखने में बस, ठीक है। तो ये 10^5 था, तो यहाँ पे 10^5 वैल्यू पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल का देखो स्टेटमेंट है और एक डायग्राम भी इसके साथ में बनाया है, डायग्राम एक्सप्रेशन के जो एक इसके डिस्कस किया गया है, जो डेफिनेशन है उसके साथ में एक डायग्राम भी यहाँ पे बताया गया है, तो पूरी अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट में है बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ सेक्शन सी में। तो फैराडेज के लॉज क्या हैं, दो लॉज हैं बेटा। एक है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज करता रहेगा, ठीक है। जब फ्लक्स चेंज करना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बंद हो जाएगा, पहला ये हो गया। दूसरा लॉ ये होता है बेटा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये दोनों देखो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्लस में डायग्राम भी उसने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। नेक्स्ट में कैलकुलेट द मीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म अफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3। तो देखो म्यू इजकल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 होता है। सो √3 इजकल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से √3 बाई 2 एंड दिस इजकल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया यहाँ पे, और इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद ये फाइनल आंसर यहाँ पे आता है 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट में है बेटा 22 में रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फ्यूल बेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट। रेक्टिफायर सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, और रेक्टिफायर एक्सप्लेन करने के बाद ये देखो डायग्राम भी यहाँ पे बनाया है फ्यूल बेव रेक्टिफायर में। फ्यूल बेव रेक्टिफायर में बनाया गया है कि जैसे आप अगर बेव दें, हालांकि इसमें दो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे और इसके नीचे आप सिर्फ ये डायग्राम दिखा देंगे, या ये डायग्राम बना लो इसके नीचे दिखा लो। इसने दो डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी इसका ये जो डायग्राम है ये करेक्ट है। इसमें दो डायोड होते हैं, दो डायोड को उसने मेंशन किया यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में है राइट डाउन द पॉस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल ऑफ एटम का जो पॉस्टुलेट 1 है, पॉस्टुलेट 2 यहाँ पे लिखा गया है, और पॉस्टुलेट 3, सभी पॉस्टुलेट यहाँ पे बेटा लिखा गया, डिस्कस किया गया। यहाँ पे देख सकते हो कि पॉस्टुलेट 1 में ये लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में एंगुलर मोमेंटम के बारे में लिखा गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस इज mvr इक्वल टू nh/2π होता है, ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। पॉस्टुलेट 3 में लिखा गया है कि एनर्जी, अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो एनर्जी वहाँ पे फोटॉन के टर्म में रिलीज होता है, ये सारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरी तरह से डायग्राम देखो बनाया गया, बस इसमें एरो नहीं बनाया बच्चे ने, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना करके इसका एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पे देखो इसने डिस्कस किया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा देखो इसलिए और करना था कि जहाँ पे क्रिटिकल एंगल होता है वहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए, दिस इज़ द म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि म्यू वन इंटू दिस इज साइन आई सी एंड दिस इज कल टू म्यू टू इंटू दिस इज कल टू साइन ऑफ आर, आर इज कल टू कितना 90। सो साइन आई सी इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा। जनरली म्यू टू जो होता है एयर होता है बेटा, सो दिस इज 1/μ1 हो जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट में देखें तो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है बेटा, ठीक है, बाइंडिंग मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी और उसका कर्व है यहाँ पे। अगर कर्व देखें तो थोड़ा सा इसने गलत बनाया है कर्व को, ये 56 तो चलो यहाँ पे मान भी लिया जाएगा, हालांकि 56 यहाँ पे आना था, 56 लगभग इधर होगा, तो इसने भी यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती कर रखी। और ये डायग्राम बेटा ऐसे होता है, थोड़ा सा नीचे नहीं आता है, जैसे इस बच्चे ने क्या किया यहाँ पे, इसको
यहाँ से कर कर के ये नीचे ले आया है, नीचे ऐसे नहीं आता है, ऐसे नीचे आता है, इस तरह से नीचे आता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद कूलम्स लॉ है बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। डिफाइन कूलम्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय द, अच्छा कूलम्स लॉ को डिफाइन करना वेक्टर फॉर्म नहीं है, कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताना है। तो कूलम्स लॉ को पहले डिफाइन किया, ठीक है, ये देखो कूलम्स लॉ का डेफिनेशन वगैरह आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है बेटा उसको एक्सप्लेन किया कि क्यू इज इक्वल टू एनी वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है। उसके बाद लेंज लॉ, लेंज लॉ को डिस्कस करना था नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो लेंज लॉ को यहाँ पे देखो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे इसने लेंज लॉ को पूरा एक्सप्लेन किया है। और ये भी बताना था लेंज लॉ में कि स्टेट लेंज लॉ एंड प्रूव दैट इट इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरा देखो इसने एक्सप्लेन किया है डायग्राम बना करके। हम जानते हैं बेटा कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर कोई मैग्नेट अगर किसी कॉइल में आ रहा है तो कॉइल जो है बेटा उसको अपोज करता है, कॉइल अपोज करता है, लेकिन हम वर्कडन करते हैं, हम ज़बरदस्ती कॉइल के इनसाइड में अगर मैग्नेट को ले जाते हैं तो हम जो वर्कडन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में वही वर्कडन वहाँ पर ईएमएफ के फॉर्म में वहाँ पर इंड्यूस्ड होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई वायलेशन नहीं है, जो आप वर्कडन कर रहे हैं वही वहाँ पे आपका ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो एम्पियर सर्कुलर लॉ है बेटा, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में सबसे पहले बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई होता है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद वायर के कारण, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ए डिस्टेंस पे, उसको निकाला गया है। तो दिस इज़ बी इज़ कल टू म्यूनट आई अपॉन टू पाई ए, यहाँ पे आंसर आया है। नेक्स्ट में देखें सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में जो है बेटा यहाँ पे सेक्शन डी में है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, और इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद बेटा यहाँ पे उसका एक्सियल लाइन पे उसका देखो डायग्राम वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक्सियल लाइन जो होता है, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो दो चार्जेज होते हैं डायपोल के कारण, डायपोल क्या होता है, दो चार्जेज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन साइन होता है बेटा, सम डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है और डायपोल का फॉर्मेशन करता है। एंड डायपोल मोमेंट जो होता है बेटा आइदर चार्ज इन टू दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है, दिस इज़ द डायपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये देखो वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट इसका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में था लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो लेंस मेकर फार्मूला को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। लेंस एक डायग्राम बनाया लेकिन डायग्राम गलत किया थोड़ा सा, एरो बनाना चाहिए था, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद रिफ्रैक्शन एट द सरफेस, जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, जो दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे जो आपका डिस्कैरेट्स फार्मूला है उसका यूज करके यहाँ पे सारा फार्मूला यहाँ पे डिराइव करके ये लेंस फार्मूला यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में देखिए तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम हो गया, यहाँ पे पूरा उसका जो फार्मूला आता है बेटा, ठीक है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहाँ पे पूरा करके इसने दिखाया है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन इसने और में छोड़ दिया है, जैसे स्टेट गॉस थ्योरम डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ ए चार्ज, ये इसने नहीं किया है। दूसरा है डिफाइन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए सिंगल स्लिट एंड बायट सेवर्टल ड्राइव एक्सपेंडर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्वाइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर देंगे, उसको हम पेज लगा करके पीडीएफ में और आपको सेंड करेंगे।